हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी लोग। तो बात करने वाले हैं भाई, अप्रैल में आ रहा है काफी सारा कंटेंट जो कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर होने वाला है रिलीज। तो हम बात करेंगे 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक क्या कुछ रिलीज होने वाला है ओटीटी पर, साथ ही साथ सिनेमा घरों में भी। तो उस सब की बात करने वाले हैं इसी वीडियो में। तो चलिए शुरू कर लेते हैं बिन देरी किए दोस्तों। तो सबसे पहले बात करेंगे ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स की, जहां पे सबसे ज्यादा कंटेंट होता है रिलीज। तो शुरुआत करते हैं 1 अप्रैल से। तो 1 अप्रैल को क्या कुछ होने वाला है रिलीज। तो 1 अप्रैल को जो पहला कंटेंट रिलीज होगा उसका नाम है शहजादा कार्तिक आर्यन की। ये फिल्म आपको 1 अप्रैल को देखने को मिलने वाली है। वहीं पर बात करेंगे नेक्स्ट कंटेंट जो होने वाला है अमीगोस फिल्म। ये एक तेलुगु फिल्म है लेकिन तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम में रिलीज की जा रही है, बट हिंदी में फिलहाल नहीं आ रही है। वहीं पर एक और कंटेंट रिलीज होने वाला है 1 अप्रैल को, जिसका नाम है इनविजिबल, और सीरीज है ये एक बेहतरीन, जिस सीरीज को देखो जैपनीज के साथ इंग्लिश में भी रिलीज किया जा रहा है। वहीं पर बात करने वाले हैं 2 अप्रैल को क्या कुछ होगा रिलीज। तो 2 अप्रैल को एक कंटेंट रिलीज होने वाला है जिसका नाम है वॉर सेलर, और ये सीरीज देखने को मिलने वाली है आपको हिंदी में भी दोस्तों। वहीं बात करेंगे अब 6 अप्रैल की। तो 6 अप्रैल को क्या कुछ होगा रिलीज। तो 6 अप्रैल की शुरुआत करते हैं IRL यानी कि इन रियल लव शो, जो आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगा। वहीं पर बात करेंगे नेक्स्ट कंटेंट जो कि 6 अप्रैल को रिलीज होगा, जिसका नाम है बीफ, और ये एक सीरीज होने वाली है, बेहतरीन सीरीज है, रोमांटिक सीरीज, जो आपको हिंदी में भी देखने को मिल। अब बात करते हैं 7 अप्रैल की। तो 7 अप्रैल को भी काफी सारा कंटेंट आ रहा है। तो 7 अप्रैल को आपको देखने को मिलने वाला है किंग्स ऑफ मेलबरीज स्ट्रीट, और ये एक बेहतरीन आपको फिल्म है जो इंग्लिश में देखने को मिल पाएगी। वहीं बात करेंगे 7 अप्रैल को एक और कंटेंट जिसका नाम है छुपा छुपा, एक फिल्म होने वाली है जो हिंदी में देखने को आपको मिल जाएगी। वहीं बात करेंगे एक और कंटेंट जो होने वाला है ट्रांसलेटेड सीरीज, और ये सीरीज आपको देखो भाई सब हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी इंग्लिश के साथ साथ। वहीं बात करेंगे एक और कंटेंट जो होने वाला है ओ बिलिंडा फिल्म, और ये ओ बिलिंडा जो फिल्म है वो फिलहाल इंग्लिश में आ रही है 7 अप्रैल को। बात करें 8 अप्रैल की, तो 8 अप्रैल को यहां आपको देखने को मिलने वाली है हंगर फिल्म, जो कि फिलहाल इंग्लिश में ही आ रही है। अब बात करेंगे 12 अप्रैल की। तो 12 अप्रैल को क्या कुछ होगा रिलीज। तो 12 अप्रैल को जो कंटेंट रिलीज हो रहा है, पहला उसका नाम है अमेरिकन मैनहंट, जिसे आप द बोस्टन मैराथन भी कह सकते हो। ये एक बेहतरीन सीरीज होने वाली है, और ये बेहतरीन सीरीज फिलहाल इंग्लिश में देखने को मिलेगी। लेकिन बात करें 13 अप्रैल की, 13 अप्रैल को क्या कुछ होगा रिलीज। तो 13 अप्रैल को भी यहां आपको कंटेंट देखने को मिलने वाला है जिसका नाम है फ्लोरिडा मैन सीरीज, और ये सीरीज आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगी इंग्लिश के साथ साथ। वहीं बात करूंगा नेक्स्ट कंटेंट जो होने वाला है द बॉस बेबी, जी हां दोस्तों, जिसका सीजन 2 आ रहा है, जो आपको देखने को मिलेगा 13 अप्रैल को, लेकिन फिलहाल ये इंग्लिश में ही आ रहा है। लेकिन बात करूं नेक्स्ट कंटेंट की जो होने वाला है द ओबेसेशन, लेकिन बात करूं नेक्स्ट कंटेंट की जो होने वाला है ओबेसेशन सीरीज, और ओबेसेशन सीरीज आपको इंग्लिश के साथ हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी, जो कि 13 अप्रैल को ही आ रही है। अब बात करते हैं 14 अप्रैल की। तो 14 अप्रैल को क्या कुछ होगा रिलीज। तो यहां पर काफी सारा कंटेंट है। पहला कंटेंट है क्वीन मेकर सीरीज, और ये सीरीज आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगी। वहीं बात करूंगा नेक्स्ट कंटेंट की जो होने वाला है द लास्ट किंगडम, जी हां दोस्तों, और ये फिल्म आपको हिंदी में देखने को मिलने वाली है। वहीं बात करूंगा नेक्स्ट कंटेंट की जो होने वाला है नाम सीरीज, और नाम एक तमिल सीरीज होने वाली है, और तमिल भाषा में इसे रिलीज किया जा रहा है। वहीं बात करूंगा नेक्स्ट कंटेंट जो होने वाला फिनोमिना फिल्म, और ये फिल्म फिलहाल इंग्लिश में आ रही है 14 अप्रैल को। अब बात करूं 18 अप्रैल की, तो 18 अप्रैल को यहां आपको देखने को मिलने वाला हाउ टू गेट रिच सीरीज, जो इंग्लिश में आ रही है। बात करूं 19 अप्रैल की, तो 19 अप्रैल को यहां आपको देखने को मिलने वाला द मार्केट हार्ड, और ये मार्केट हार्ड का सीजन 2 आ रहा है, जो आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगा दोस्तों। वहीं बात करूंगा नेक्स्ट कंटेंट जो होने वाला चिम्स एंपायर, और ये एक बेहतरीन सीरीज होने वाली है, जो आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी दोस्तों। बात करेंगे अब 20 अप्रैल की, तो 20 अप्रैल को यहां पर आपको देखने को मिलने वाला है टूट परी का सीजन 1, जी हां दोस्तों, जिसका बेहतरीन एपिसोड आपको देखने को मिलेंगे हिंदी में भी। जी दोस्तों, बात करूं नेक्स्ट कंटेंट की जो होने वाला है द डिप्लोमेट सीरीज, और ये सीरीज एक बेहतरीन सीरीज है, लेकिन फिलहाल इसे इंग्लिश में कर रहे हैं, हिंदी में पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं। अब बात करते हैं भाई 21 अप्रैल की। तो 21 अप्रैल को काफी सारा कंटेंट रिलीज हो रहा है। सबसे पहले इंडियन मैचमेकिंग का सीजन 3 आ रहा है, जो आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगा। वहीं बात करूंगा नेक्स्ट कंटेंट की जो होने वाला है वेलकम टू ईडन सीरीज, और ये बेहतरीन सीरीज है, लेकिन यार इंग्लिश में आ रही है फिलहाल। वहीं बात करूंगा नेक्स्ट कंटेंट जो होने वाला है रफ डायमंड सीरीज, और ये भी इंग्लिश में आपको देखने को मिलेगी। वहीं बात करूं नेक्स्ट कंटेंट की जो देखने को मिलने वाला है चॉक होल्ड फिल्म, और ये फिल्म भी इंग्लिश में देखने को मिल पाएगी। वहीं बात करूं नेक्स्ट कंटेंट जो होने वाला है वन मोर टाइम फिल्म, और ये फिल्म भी इंग्लिश में देखने को मिलेगी। यानी कि भाई साहब 21 अप्रैल को तो 27 अप्रैल को क्या कुछ देखने को मिलने वाला है। तो 27 अप्रैल को पहला कंटेंट जो देखने को मिलने वाला है उसका नाम है स्वीट
टूट का सीजन 2 जो कि हिंदी में देखने को मिलेगा। वहीं बात करूंगा नेक्स्ट कंटेंट जो होने वाला है फायरफ्लाई लैन, और इसका भी सीजन 2 आ रहा है जो भी हिंदी में आपको देखने को मिल जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट ओटीटी प्लेटफॉर्म जो होने वाला अमेज़न प्राइम। तो अमेज़न प्राइम की शुरुआत करते हैं 7 अप्रैल से। 7 अप्रैल को यहां आपको जुबली की सीरीज है, एक बेहतरीन सीरीज देखने को मिलने वाली है जो कि हिंदी में देखने को मिल जाएगी। वहीं पर एक और कंटेंट जिसका नाम है ऑन ए विंग एंड ए प्रीयर फिल्म, और ये फिल्म इंग्लिश में रिलीज होगी क्योंकि अमेजन प्राइम पे इंग्लिश में ज़्यादा कंटेंट आता है। लेकिन वही बात करूँ एक और कंटेंट जो होने वाला है गैंग्स ऑफ लागोस सीरीज, और ये सीरीज आपको इंग्लिश में देखने को मिल जाएगी दोस्तों। अब बात करें 14 अप्रैल की, तो 14 अप्रैल को देखो कन्नड़ा फिल्म कब्जा आ रही है जो कि कन्नड़ा तमिल तेलुगु में आ रही है और हिंदी में शायद नहीं आ रही है फिलहाल 14 अप्रैल को। वहीं बात करूंगा एक और कंटेंट जो होने वाला है मार्वल्स का, द मार्वल्स का यानी कि मिसेज मिजेल का सीजन 5 आ रहा है जो कि इंग्लिश में आपको देखने को मिल पाएगा। अब वहीं बात करूं 21 अप्रैल की, तो 21 अप्रैल को यहां आपको देखने को मिलने वाला है डेड रिंगर सीरीज, और ये सीरीज आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगी, तो ये अच्छी बात है। वहीं बात करूंगा नेक्स्ट कंटेंट जो होने वाला है सिटाडेल, और सिटाडेल सीरीज होने वाली है प्रियंका चोपड़ा की जो कि हॉलीवुड एक्शन थ्रिलर सीरीज है, और ये सीरीज इंग्लिश के साथ हिंदी तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम में भी रिलीज की जाएगी 28 अप्रैल को दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट ओटीटी प्लेटफॉर्म जो होने वाला है G5, तो G5 पर यहां आपको 14 अप्रैल को देखने को मिलने वाली मिसेस अंडरकवर फिल्म, और ये फिल्म बेहतरीन कॉमेडी ड्रामा फिल्म होने वाली है। तो वहीं पर एक और 14 अप्रैल को कंटेंट आ रहा है जिसका नाम है प्रजापति, और एक बंगाली फिल्म है और बंगाली भाषा में इसे G5 पर 14 अप्रैल को रिलीज किया जाएगा। वहीं बात करूं नेक्स्ट ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है डिज्नी प्लस हॉटस्टार, तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार की शुरुआत करेंगे 5 अप्रैल से। तो 5 अप्रैल को यहां आपको देखने को मिलने वाला है द क्रॉसओवर सीरीज जो कि इंग्लिश में देखने को मिल पाएगी। लेकिन बात करें 7 अप्रैल की, तो 7 अप्रैल को यहां आपको देखने को मिलने वाला है रामचंद्र, एक मलयालम फिल्म है जिसे भाई साहब मलयालम के साथ हिंदी तमिल तेलुगु में भी रिलीज। जी हां दोस्तों, वहीं बात करेंगे 12 अप्रैल की, तो 12 अप्रैल को यहां आपको देखने को मिलने वाला है रेडिएशन जो कि डोको सीरीज है, और ये सीरीज फिलहाल इंग्लिश में आ रही है तो आपके लिए अहमियत रखती है तो देख सकते हो। वहीं बात करूंगा 28 अप्रैल की, तो 28 अप्रैल को यहां आपको देखने को मिलने वाली है पीटर्स पैन एंड वेंडी फिल्म जो कि इंग्लिश में रिलीज की जा रही है, लेकिन शायद भाई ये हिंदी में भी आ जाए। और आपको बता दूं देखो इस पर यानी कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर एंटमैन 3 भी आएगी और सेल्फी भी आएगी जिसकी ऑफिशियली रिलीज डेट फिर से अनाउंस करने वाला है डिज्नी प्लस हॉटस्टार काफी जल्द, और इसकी अपडेट तो हम आपको चैनल पर दे ही देंगे दोस्तों। अब वहीं बात करूं नेक्स्ट ओटीटी प्लेटफॉर्म जो होने वाला है चौपाल, तो चौपाल पर क्या कुछ होगा रिलीज। चौपाल पर देखो काली झोटा फिल्म जो कि अप्रैल में ही रिलीज होने वाली है दोस्तों। वहीं पर एक और फिल्म जिसका नाम है आउटलॉ, और ये भी अप्रैल में रिलीज होगी, और काफी सारी फिल्में जो कि अप्रैल में रिलीज होंगी लेकिन इनकी रिलीज डेट अनाउंस नहीं हुई है, जैसी होगी हम आपको बता देंगे। वहीं बात करूंगा नेक्स्ट ओटीटी प्लेटफॉर्म जो होने वाला है हुलू, तो हुलू पर क्या कुछ होने वाला है रिलीज। तो बात करेंगे 7 अप्रैल की, तो यहां पर आपको टाइनी ब्यूटीफुल थिंग सीरीज देखने को मिलने वाली है जो आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगी। वहीं बात करें 20 अप्रैल की, तो 20 अप्रैल को यहां क्वासी फिल्म आपको देखने को मिलेगी जो कि इंग्लिश में ही देखने को मिलेगी। वहीं बात करेंगे 26 अप्रैल की, तो 26 अप्रैल को सेंट एक्स सीरीज देखने को मिलेगी जो कि इंग्लिश में देखने को मिलेगी। वहीं बात करेंगे 28 अप्रैल की, तो 28 अप्रैल को क्लॉक फिल्म देखने को मिलेगी जो कि इंग्लिश में ही देखने को मिल पाएगी दोस्तों। और वहीं बात करें पैरामाउंट प्लस की, तो पैरामाउंट प्लस पर क्या कुछ होगा रिलीज। तो बात करें 6 अप्रैल की, तो 6 अप्रैल को यहां पर ग्रीस राइज ऑफ द पिंक लेडीज सीरीज देखने को मिलने वाली है जो कि आपको देखने को मिलेगी इंग्लिश में ही। वहीं बात करें 11 अप्रैल की, तो 11 अप्रैल को योंडर सीरीज देखने को मिलने वाली है जो कि कोरियन सीरीज है, तो कोरियन के साथ इंग्लिश में भी ये आ रही है। वहीं बात करेंगे 30 अप्रैल की, तो 30 अप्रैल को यहाँ फैटल अट्रैक्शन सीरीज देखने को मिलने वाली है जो कि इंग्लिश में ही देखने को मिलेगी। अब वहीं बात करें एप्पल प्लस की, तो एप्पल प्लस की शुरुआत करें 5 अप्रैल से। 5 अप्रैल को यहाँ पर आपको स्कीम डून सीरीज देखने को मिलने वाली है जो कि इंग्लिश में ही देखने को मिल पाएगी। वहीं बात करें 14 अप्रैल की, तो 14 अप्रैल को द लास्ट थिंग देखने को मिलने वाली है जो कि बेहतरीन सीरीज है जो कि इंग्लिश में ही देखने को मिल पाएगी। वहीं बात करें एक और कंटेंट जो कि 14 अप्रैल को रिलीज होगा जिसका नाम है जैन, जैन एक सीरीज होने वाली है, ये भी इंग्लिश में देखने को मिलेगी। वहीं बात करें 28 अप्रैल की, तो 28 अप्रैल को यहाँ द आफ्टर पार्टी का सीजन 2 देखने को मिलने वाला है जो कि इंग्लिश में ही देखने को मिल पाएगा। अब वहीं बात करेंगे भाई बुक माई शो की, जिसे ओटीटी प्लेटफॉर्म आप कह सकते हो। जी हाँ दोस्तों, जहां पर आपकी शुरुआत होती है 5 अप्रैल से, तो 5 अप्रैल को यहाँ आपको बेबीलोन फिल्म देखने को मिलेगी जो कि हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी इंग्लिश के साथ साथ। वहीं बात करेंगे 7 अप्रैल की, तो 7 अप्रैल को यहां आपको देखने को मिलने वाली है द पेब्रो कैसीर मर्डर, और ये एक बेहतरीन सीरीज होने वाली है जो कि इंग्लिश में आ रही है। वहीं पर 7 अप्रैल को एक और कंटेंट आ रहा है जिसका नाम है कॉस्मोस, और ये फिल्म आपको इंग्लिश में देखने को मिल पाएगी। जी हां दोस्तों, अब चलते हैं सिनेमाघरों की तरफ, सिनेमाघरों में क्या कुछ होने वाला है रिलीज। तो बात करेंगे 7 अप्रैल की, तो पहले यहां आपको गुमराह जो कि क्राइम थ्रिलर फिल्म है और आदित्य रॉय कपूर की, ये फिल्म आपको देखने को मिलने वाली है 7 अप्रैल को सिनेमाघरों में। बात करें दूसरी फिल्म जो होने वाली है द पॉप्स एक्सोरेट
जो कि एक हॉर थ्रिलर फिल्म होने वाली है जो इंग्लिश के साथ हिंदी तमिल तेलुगु में भी देखने को आपको मिल जाएगी। वहीं बात करूं नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है रामन अशूरा रवि तेजा की, ये तेलुगु फिल्म जो कि तेलुगु तमिल में रिलीज की जाएगी। वहीं बात करूं नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है अगस्त 16, 1947 जो कि तमिल फिल्म है लेकिन तमिल के साथ ये पैन इंडिया रिलीज हो रही है, यानी तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम और हिंदी भाषा में दोस्तों। वहीं बात करूं नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है द सुपर मारियो, और सुपर मारियो इंग्लिश के साथ हिंदी तमिल तेलुगु में भी रिलीज हो रही है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करेंगे 14 अप्रैल को कौन कौन सी फिल्म आ रही है सिनेमा घरों में। तो पहली फिल्म आ रही है शकुंतलम जो कि तेलुगु फिल्म है लेकिन पैन इंडिया रिलीज हो रही है, यानी तेलुगु के साथ तमिल कन्नड़ा मलयालम और हिंदी भाषा में दोस्तों। वहीं पर एक और फिल्म जिसका नाम रैनफील्ड और ये फिलहाल इंग्लिश में रिलीज हो रही है, इसके लिए काफी बुरा लग रहा है यार, हिंदी में आ जाती मजा आ जाता, जबरदस्त फिल्म है। वहीं बात करूंगा एक और फिल्म जो कि 14 अप्रैल को आ रही है जिसका नाम है रुद्रन जो कि तमिल फिल्म है लेकिन हिंदी को छोड़ के इसे सारी भाषाओं में रिलीज किया जा रहा है, तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम में। जी हाँ दोस्तों, अब चलते हैं 21 अप्रैल की तरफ। तो 21 अप्रैल को क्या कुछ रिलीज होगा, तो सलमान खान की किसी का भाई किसी की जान आ रही है, फिर उसके बाद आपको विरूपाक्षा जो कि तेलुगु फिल्म है लेकिन पैन इंडिया रिलीज की जा रही है। वहीं उसके बाद इविल डेड राइज फिल्म देखने को मिलने वाली है जिसे इंग्लिश में ही रिलीज किया जाएगा, शायद ये हिंदी में और तमिल तेलुगु में भी आ सकती है फिलहाल कंफर्म। लेकिन वहीं बात करेंगे चंगेज जो कि एक बंगाली फिल्म है और बंगाली के साथ इसे हिंदी में रिलीज किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब चलते हैं 28 अप्रैल को कौन कौन सी फिल्में आ रही हैं। तो पहली फिल्म है एजेंट जो कि तेलुगु फिल्म है लेकिन भाई साहब ये पैन इंडिया रिलीज हो रही है। वहीं बात करेंगे PS2 यानी कि पोनियन सेल्वन 2 आ रही है जिसे भी पैन इंडिया या पैन वर्ल्ड रिलीज किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, वहीं पर बात करेंगे नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है बैड बॉय जो कि हिंदी फिल्म है, बॉलीवुड की फिल्म है, मिथुन चक्रवर्ती का बेटा इससे डेब्यू कर रहा है, तो ये भी आ रही है 28 अप्रैल को। तो यही थी वो सारी फिल्में और सीरीज जो आ रही है OTT प्लेटफॉर्म और सिनेमा घरों में। तो इनमें से कौन सी फिल्म कौन सी सीरीज का आपको इंतजार कमेंट में जरूर बताएगा। कुछ छूट गया है तो हर वीक तो हम आपको अपडेट देते हैं, तो उस फिल्म या सीरीज का अपडेट हम आपको दे ही देंगे, छूट गई है दोस्तों। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ, और जो भी चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जब तक के लिए बाय बाय।